लेकिन करते कराते वह हमारे शासक बन बैठी। उसके कुछ भाग बनवाए तो कुछ तोपे भी तैयार की। उन तोपों ने इस देश को फिर से आजाद कराने का सपना साकार करने निकले। जांबाजों को मौत के घाट उतारा, पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंकना, यानी यहां से जड़ से ही निकालकर फेंक देने को उखाड़ फेंकना कहते हैं। तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पाँव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक न हो और यहाँ फिर वही तांडव मच जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों न आए जिस काम में इस पाठ की तोप आ रही है। तो आज हम एक कविता में देखेंगे ये तोप किस काम आ रही है। उस समय तो बहुत ही अंग्रेजों के लिए उन्होंने उस तोप का काम किया था, लेकिन आज इस कविता में ये तोप किस काम आ रही है हम पढ़कर समझेंगे। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। कविता को दो पंक्ति ध्यान से सुनिए। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। कंपनी यानी कानपुर में बनाया गया एक बाग को कहते हैं कंपनी। कंपनी कानपुर में बनाया गया बाग यानी बगीचे। बाग यानी बगीचे। धर रखी गई है यह 1857 की तो 1857 की ये तो वहां पर बाग में रखा गया है जहां मुहाने यानी प्रवेश द्वार पर इसकी होती है बड़ी सम्मान विरासत में मिले क्योंकि इसको बहुत ही संभाल कर देखभाल कर विरासत में मिला हुआ तो देखभाल कर कंपनी बाग में रखी जाती है। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है दो बार। साल में चमकाई जाती है दो बार। दो बार यानी स्वतंत्रता दिवस पर और 26 जनवरी के समय पर इन तोपों को सजाया और सवारा जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी यानी पर्यटक। सैलानी पर्यटक यात्री। उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबर यानी जबरदस्त उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। सुरमाए यानी सुरमाओ यानी वीर को कहते हैं। अपने जमाने में तो कह रही है कि मैं अपने जमाने में अच्छे अच्छे वीर बहादुर लोगों को मैं उड़ाकर धज्जियां उड़ा दी थी यानी उसके चितड़े चितड़े कर दिए थे। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिंग हो अब तो बहरहाल यानी फिलहाल। अब मेरा काम फिलहाल क्या चल रहा है कि मैं छोटे बच्चों की घुड़सवारी बन गई है। छोटे बच्चे कुछ भी अगर लकड़ी या जो भी देखे तो ऐसे पकड़कर घोड़े चल चल टुक 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 बोलकर खेलते हैं ना, उस तरह तोप के ऊपर छोटे बच्चे बैठकर अभी अपनी घुड़सवारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी बच्चे घुड़सवारी बनाकर खेलते हैं, कभी कभी चिड़िया आकर
गपशप करती है। गपशप करना या बातचीत। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है। शैतानी करते हैं चिड़िया वहां पर बैठकर गौरई है, तो भीतर शैतानी करना यानी शरारत, नच खटपन, अंदर भीतर घुस जाते हैं। मैंने चित्र में पहले बताया था ना, तोप के अंदर जो ऐसा पाइप रहता है उसमें वो अंदर घुस जाती है शरारत करते करते। खास कर गौरैये भी, वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होनी है उसका मोह बंद। तो ये सब हमें बताते हैं कि एक दिन तो उसका मोह बंद होना ही था, क्योंकि उसके जमाने में वो अपने कारनामे करतूते बहुत कुछ कर लिया, लेकिन इस जमाने में उसको तो मुंह बंद कर कर अब छोटे बच्चों की या चिड़िया चिड़ियों की गौरैये के खेल के सामान बन चुकी है, जो अंग्रेजों ने उस समय रखा था सैलानियों को देखने के काबिल। तो इसका सारांश देखो, कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही एक तोप रखी गई है। यह तोप 1857 में स्वतंत्र संग्राम में काम आई थी। इस तोप की बड़ी देखभाल की जाती है, कंपनी बाग की भी देखभाल की जाती है। इन्हें अपने पुरखों द्वारा मिली हुई धरोहर के रूप में सजाया संवारा जाता है। इस तोप को एक साल में दो बार चमकाया जाता है। हर रोज सुबह और शाम के समय बहुत से सैलानी कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब यह तो उन सब को बताती है कि 1857 के स्वतंत्र संग्राम में मैंने जबरदस्त कार्य किया था, मैंने अच्छे अच्छे शूरवीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। ये सब पहली पंक्तियों में बताती है। तो दूसरी पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि कितनी भी जबरदस्त और विनाशकारी क्यों ना हो, किंतु फिलहाल यह अब खिलौने की तरह काम आती है। इस पर बैठकर छोटे छोटे बच्चे घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। जब बच्चे ना हो तो अक्सर चिड़िया इस पर बैठकर गपशप करती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ पक्षी शरारत करते हुए इस तोप के मुंह में ही घुस जाते हैं। खासकर गौरैयों को इससे बिल्कुल डर नहीं लगता। ये चिड़िया के गौरैये और शरारती बच्चे खेल कूद कर मानो यह बताते हैं कि चाहे तोप कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किंतु एक ना एक दिन उसका मोह बंद हो जाता है। किसी समस्या का हल तोप के पास, विनाश के पास या विध्वंस के पास नहीं है। तो भी कविता का सारांश हो गया आपको। कविता बहुत ही छोटी है, लेकिन इसकी गहराई बहुत अंदर तक मन को छू लेने जैसी है, जो कंपनी बाग में व्यापार के बहाने अंग्रेज हमारे यहाँ आकर किस तरह से इन तोपों से शूरवीरों की धचियों को उड़ाया था। भाषा बात देखेंगे अभी। कवि ने इस कविता में शब्दों का सटीक और बेहतरीन प्रयोग किया है। भाषा, व्याकरण, कवि ने इस कविता में बहुत ही सटीक और बेहतरीन प्रयोग किया है। इसकी एक पंक्ति में देखिए, धर रखी गई है यह 1857 की तोप। धर शब्द देशज है। धर देशज। व्याकरण में हम लोग शब्द पढ़े हुए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। विदेशी शब्द, विदेशी, स्कूल, तत्सम, तत्सम शब्द,
तत्सम की परिभाषा क्या है? तत्सम संस्कृत के निकले हुए शब्द, जैसे के वैसे हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है, इसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब बताएं, तत्सम अग्नि, आग, तद्भव, तद्भव शब्द संस्कृत के निकले हुए शब्द ही जब हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसका रूप और आकार बदलता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कुसुम, फूल, अग्नि तत्सम है, कुसुम तत्सम है, फूल तद्भव है, आग तद्भव है, क्योंकि संस्कृत के शब्द यहां पर आते आते हिंदी में उसका रूप और आकार बदलता है, अर्थ एक ही होता है और यहां पर आकार बदल जाता है। दूसरा, टोप शीर्षक कविता का भाव समझाते हुए इसका गद्य में रूपांतरण कीजिए। कविता को, जो कविता यहां पर दी गई है, तो इसका गद्य में रूपांतरण कीजिए। गद्य में रूपांतरण करना, जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा है, आज हम पद्य भाग पढ़ रहे थे, गद्य में रूपांतरण करना, इस पद्य को, कविता को गद्य में रूपांतरण करना। कविता लिखे, यहां पर तत्सम देशी विदेशी शब्द के द्वारा कविता बनाई जाती है। जब हम गद्य में लिखना चाहते हैं तो वाक्य के रूप में उस कविता को ही हम गद्य में एक पाठ के सारांश की तरह लिखना चाहिए। पीछे आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। मुहाने प्रवेश द्वार पर धर रखी गई, संभाल कर देखभाल कर रखी गई विरासत में पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं, जैसे हमारे पूर्वजे घर पर संभाल कर रखे रहती है ना, पूर्वजों से पीढ़ियों से आई हुई वस्तुओं को, सैलानी, दर्शनीय, पर्यटक, सुरमा, वीर, धज्जे, चितड़े चितड़े कर देना, फारंगी, फारिंग, खाली, कंपनी बाग, गुलाम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर बनाए गए बाग और बगीचे, जो मैंने यहाँ पर लिखकर बताया, कंपनी कानपुर में बनाया हुआ एक बाग, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी तब उन्होंने बाग बगीचे बनाकर वहां पर अपनी तोपों को रखा दिया था। धन्यवाद।